हेलो दोस्तों, मैं प्रियंता अग्रवाल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मिल्क शेक। इसके लिए हमने एक ये आम ले लिया है और ये आधा लीटर हमने दूध ले लिया है और एक कटोरी ये हमने फुल मलाई जो होती है दूध की उसको ले लिया है और ये एक कटोरी चीनी है, थोड़ी सी टूटी फूटी और बादाम। इस आधा लीटर दूध में और एक मैंगो में हम चार ग्लास बिल्कुल गाढ़ा मिल्क शेक बनाएंगे। जिस प्रकार से हम बनाएंगे इस प्रकार से एक बार आप भी बनाइएगा, देखिएगा बिल्कुल गाढ़ा और बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल्क शेक बन करके तैयार हो जाएगा एक आम में। अगर आपके घर मेहमान आए हुए हैं, ज़्यादा आम नहीं है, तो इसी एक आम में, इस तरह का आपके घर में एक आम हो, उसी एक आम में आप चार पांच ग्लास मैंगो मिल्क शेक बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए इस आम को पहले हम छील लेंगे और रफली काट लेंगे। आम को देखिए, हमने इस तरह से महीन महीन काट लिया है। मैंगो मिल्क शेक तो सभी लोग बना लेते हैं, पर जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से एक बार आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कितना ये गाढ़ा मैंगो मिल्क शेक बनता है एक आम में। अब इसमें थोड़ा सा ये इतना सा हम आम डाल देंगे और इसमें एक चम्मच भर करके ये मलाई डाल देंगे। अब इसमें ये हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से महीन होने तक मिक्स करेंगे। जब मिक्सर को हम चलाएंगे तो एक मिनट के लिए चलाएंगे, बंद कर देंगे, एक मिनट के लिए चलाएंगे, बंद कर देंगे, इस तरह से बार बार हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे तो इससे ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। और एक चम्मच अपने स्वाद के अनुसार हम अब चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा फेंटने के बाद इसमें एक चम्मच हम चीनी डाल देंगे और फिर से अब हम फेंटते हैं। देखिए, हमने फेंट लिया है, देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा मिक्सर बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम एक गिलास में इस तरह से डाल देंगे। और इसको एक किनारे रख देते हैं। अब इसी तरह से और जो बचा हुआ है इसको हम एक दूसरी ग्लास में, दूसरा ग्लास ले लेते हैं और उस दूसरे ग्लास में बचे हुए मिश्रण को हम डाल देंगे। ये मेरा जो मैंगो मिल्क शेक जो बचा है इसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। अब इसको भी हम किनारे रख देते हैं। अब फिर से हम मिक्सर का जार लेंगे। अब इस जार में हम फिर से ये आम के चार पांच पीस डालेंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे, बस, और एक चम्मच के करीब हम चीनी डाल देंगे और ये मलाई है, एक चम्मच हम इसमें मलाई डाल देंगे। अब उसी तरह से फिर से इस मिक्सर को हम चलाते हैं, एक मिनट चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, एक मिनट चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, इस तरह से हम अपना मिल्क शेक बनाएंगे। अब फिर जो हमने ये मिल्क शेक बनाया है इसको एक ग्लास में डाल देंगे, फिर इसको हम किनारे रख देते हैं। अब ये बर्फ जो हमने कूटी है, अब इसको इस तरह से सभी मैंगो मिल्क शेक में आप डाल दीजिए। आप अपने बर्फ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इस तरह से बर्फ हमने सारे गिलासों में डाल दिया है, सारे मैंगो शेक में। आपको अगर ज़्यादा बर्फ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो हमने अपने अकॉर्डिंग इतनी बर्फ डाली, आपको जैसी पसंद है वैसे डाल सकते हैं। ये फिर
जो आम के टुकड़े हमने काट के महीन महीन रखे हैं इनको डाल देंगे। फिर थोड़े से ये बादाम हैं इनको भी डाल देंगे। थोड़ी सी मेरे पास टूटी फूटी है, इसको भी ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से एक आम और आधा लीटर लगभग दूध में हमने 4 ग्लास मैंगो मिल्क शेक बनाया है। इस प्रकार से आप भी बनाइए। बहुत ही गाढ़ा मिल्क शेक बन करके तैयार हुआ है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये इसमें एक आम पड़ा हुआ है। इस तरह से आप भी बनाइए। अगर आपके घर गेस्ट आए हुए हैं और आपके यहाँ एक आम है तो इस तरह से आप उनके लिए मिल्क शेक बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक आम से और आधा लीटर दूध से ये 4 ग्लास मैंगो मिल्क शेक बनाया है। आपके घर में अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, एक आम हो, तो आप उस इसी प्रकार से उस आम से मैंगो मिल्क शेक बना सकते हैं। ये बिल्कुल पतला नहीं, बहुत ही गाढ़ा मिल्क शेक बना हुआ है। इसको गाढ़ा करने की ट्रिक यही है कि आप बार बार मिक्सर चलाएं और बंद कर दें, चलाएं और बंद कर दें। बार बार इस तरह से 2-3 मिनट तक फेटेंगे तो बहुत ही गाढ़ा मिल्क शेक बन करके तैयार होगा। इस प्रकार से एक बार आप भी बनाइए, अपने परिवार, बच्चों, फैमिली को पिलाइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।